हमारे हैदराबाद के सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे ये राउडी शीट पर नजर रखी जा रही है। इसी सिलसिले में रात में हबीबनगर पोजीशन में एक तीन राउडी समीर और इमरान और अपना अहमद, ये तीन लोग हालांकि दोस्ता है, ये तीनों राउडी शीट्स अपने और एक राउडी शीटर अकबर के घर के पीछे बैठ के तो शराब पी रहे थे। उसमें ये लोग एक दूसरे को ऐसी बातों बातों में लड़ लेके अकबर के घर में जाके उनकी वाजा को अर्शिया बेगम को अटैक करे और घर में जाके तोड़फोड़ करे और चाकू लेके अटैक करने से वो अर्शिया बेगम आके पोजीशन में कामरेड दिए। कामरेड देने के बाद हम तीन रोडी शीटर्स को समीर और अहमद और इमरान को तीनों को लेकर के केस लगा के कोर्ट को भिजा दिए। और आपकी ये मीडिया की तरफ से मैं नोटिस शीटर्स को वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि आप कैरेक्टर मेंटेन कीजिए और अपने हदूद में रहिए, नहीं तो हम आप पूरे में इंफॉर्मेशन ले लिया हूँ, चुन चुन के हम निकालेंगे आप लोगों को, निकाल के कैसा कैसा केस में लगाना है और कैसा कैसा करना है अपन को सब मालूम है। इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा ऐसा ना करें। थोड़े राउडी शीटर्स गांजा को भी जरा सपोर्ट करके, गांजा सप्ले करके थोड़े एरिया में, हबीबनगर एरिया में, और नशेवारी अद्वियात जैसे इंजेक्शन ही दो, टर्मिन टर्मिन इंजेक्शन भी, ऐसा गांजा और हशीश ये सब चल रहा हम नजर रखे हुए हैं और हम ही वो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के जरिए वार्निंग दे रहा हूँ कि राउडी शीटर्स को ये ऐसी समाजी गैर-जरूरी सरगर्मियों में मुलविस ना हो, फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। और दूसरा, अपने फैमिली मेंबर्स, राउडी शीटर्स के फैमिली मेंबर से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ को इनको बढ़ावा ना दें, ये इनके जो काम जो कर रहे हैं गलत काम, उनको बढ़ावा ना दें। और जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उनके बेहतरी के लिए ले रही है, वो पुलिस को कोऑपरेशन करें और उनको सुधरने का मौका दें, उनको बढ़ावा दे के और उनको खराब ना करें। सब एक सीसीटीवी वायरल हो रहा जो मामूल लेन देने पर मारे उनसे। हाँ, वो भी हमारे नोटिस में आया, उसमें जो समीर जो है ना, उसको उसमें लिखा के अपन अरेस्ट करके इंटरोगेशन करते सो टाइम पे वो लोगों को मालूम हो कि वो कंप्लेंट दिया वो सही है। समीर को भी इसमें रिमांड किया गया है, ये नशे नशे की हालत में, वो कुछ लेन देन कुछ भी नहीं है, ऐसी नशे की हालत में जाके कुछ, अब नशे की हालत में होने के बाद आदमी जानवर बन जाता, तो बहरहाल वो गलत नीयत से घर में गए बल्कि मालूम हो रहा, तो उसमें लेडीज भी भाग गए वहां से, भाग जाने के बाद ये लोग घर में तोड़फोड़ भी करे थोड़ी, तो इस लिहाज से उनके ऊपर केस लगाया गया। वो क्या है, वो हम नहीं सुधरेंगे ऐसा हाल है, तो अब हम पुलिस भी ठान लेंगे सुधार के रहेंगे, बोले ऐसा हम ये कर रहे हैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे हम चुन चुन के लेके आएंगे, अगर अगर वो अपनी सरगर्मियों को ना रोकें तो हम बिल्कुल उनका पीछा करेंगे, चेस करेंगे। और उनको ऐसा कोई सिक्स रोडी शीटर्स है उसमें एक्टिव बोले तो उसमें 10-12 एक्टिव उतना ही, बाकी के जरा एक्टिव नहीं है, पर ये जो नशे की जो लत लगी हुई है वो नशे में इस्तेमाल होके ये गैर जरूरी हरकत कर रहे हैं। उनको मैं काउंसलिंग भी करा और उनके फैमिलीज को भी काउंसलिंग करा ये नशे की हालत में ना जाए मिलके, और नशे की हालत में ये हो रहा हो। और ये जो समीर है ना, समीर वो वाकई वो जो मामूल का जो है ना वसूल करा, वो कंप्लेंट भी आया हमारे, उसके ऊपर केस रजिस्टर करके उसको भी भिजा दिया। आपको मालूम है हम ऐसे थोड़े इंसिडेंट्स भी है जहाँ कंप्लेंट देने के भी लोग राजी नहीं थे, हम सुओमोटो केस करके 387 केस भी करे हैं और सुओमोटो